हेलो एवरीवन, आज अरुणाचल टुडे की टीम आए हुए हैं चांगलांग के खरसंग सर्कल पे, जहाँ पे रहता है जोनाथन वांगपन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पूरे देश में कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है। तो पेंडेमिक के चलते हुए सब घर बैठे हुए हैं, तो जोनाथन उसमें से एक ऐसा लड़का है, ऐसा यूथ है जो घर बैठे खुद को किसी चीज़ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि वो अपना टैलेंट दिखाते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ हो गया, MLAs हो गया, पॉलिटिशियंस हो गया, उनका पोर्ट्रेट बनाता है और फेसबुक पे डालते हैं। तो उनका हम अरुणाचल टुडे की टीम उनका पोर्ट्रेट जो देखे, काफ़ी अप्रिशिएबल था। तो हम आज उनसे पर्सनली मिलने के लिए आज खरसंग पे आए हुए हैं। चलिए उनसे जानते हैं उनका पोर्ट्रेट, वो किस तरीके से बनाता है, किस तरीके का इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। तो जोनाथन जी, आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा कर दीजिए। मेरा नाम जोनाथन वांगपन है और मैं वांचो ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, और फिलहाल हम लोग यहाँ पे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट खरसंग सर्कल और लोंगतोवान विलेज पर सेटल हूँ। तो जोनाथन जी, आपका एडुकेशन का बारे भी थोड़ा बता दीजिए, आपने कहाँ से कॉलेज किया? मेरा एजुकेशन जो था, ये खरसंग तिनाली स्कूल से शुरू होके खरसंग हाई सेकेंडरी स्कूल तक मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद उधर से ही छोड़ के मैंने डिप्लोमा किया है मैकेनिक डीजल ITI बालिनोंग पर, और उसके बाद फिर मैंने दिमापुर ये थियोलॉजी ये डिप्लोमा स्टार्ट किया। और जोनाथन जी, आपने किस तरीके का पेंट बनाया है और कौन सा कलर यूज़ करते हो, वो सब थोड़ा बता दीजिए। मैंने जो पेंट किया है, ये सब जैसे जो ज़्यादा पॉपुलर ये सेलिब्रिटी बोलेगा उन लोग का ऊपर में बनाया है, और स्पेशली हमारे सिरिन रिजिजी सर, उसका ऊपर में मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो फिलहाल इतने ही 4-5 ही मैंने पोर्ट्रेट बनाया है। और ये जो आपका पेंटिंग का इंटरेस्ट कब से आया, थोड़ा बताइए। और मेरा पेंटिंग का इंटरेस्ट बचपन से ही था, जब मैं मिडिल स्कूल और प्राइमरी में पढ़ाई करता था, तो उधर से मेरा बचपन से ही थोड़ा इंटरेस्ट था ये सब में। और अभी तक आपने कितना पेंट बनाया होगा इसे? अभी फिलहाल मैंने 4-5 तो एक सप्ताह के अंदर में बनाया और सब FB पर पोस्ट कर दिया। और आप फेसबुक पे काफ़ी फेमस हो चुके हो, ऐसे काफ़ी काफ़ी लोग आपके पेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले आई थिंक मेरा इतना खास नहीं बनाए, मेरा जो कॉन्फिडेंस है मैं बोल सकता हूँ कि मेरा इतना खास नहीं बनाया है, जो कि ऐसे बिगिनर हिसाब में कुछ बोलने से जो कि मेरा दोस्त लोग और कितने भी मेरा फ्रेंड्स हमारे स्टेट का और अदर स्टेट का भी बहुत हमको सपोर्ट कर रहा है, फिर भी वो लोग को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप सबका वजह से मैं आज जो आज ये सब का सिचुएशन आ गया, ये सब में आप सभी के द्वारा हुआ है, तो मैं आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे दिल से। और जैसे आपका कलर है, बोर्ड है, पेंट ब्रश है, तो आप ये लोग कहाँ से लाते हो? जैसे कि ये घर बनाने में इस्तेमाल करने वाला सामान ही मैंने इकट्ठा करके उधर से शुरू किया ये पेंट बनाने में। जिसके घर बनाने में यूज़ करते हैं वो सीलिंग जो लगाने वाला 4x4, तो उसी का ऊपर में मैं ये पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट किया वो चारकोल से, जो कि हर एक किचन में मिल जाता है वो आसानी से, जो कि हम फेंक देते हैं सुबह उठ के। तो उधर से मैंने सब यूज़लेस चीज़ को मैंने इकट्ठा करके, मतलब उधर से कुछ बनाने का यूनिक आइडिया सोच के उसको मैं बनाया। तो ये लॉकडाउन के समय में आपको कैसे आइडिया आया कि आपको पेंटिंग ही करना है? सबसे पहले बात यही कि मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट था और कभी सोचता था कुछ यूनिक करेगा, तो सभी लोग पेंटिंग कलर से करता है या फिर कुछ बाज़ार से एक्सपेंसिव कुछ सामान खरीद के बनाता है। फिर मैंने सोचा मेरा पास इतना एबिलिटी नहीं होगा, तो मैं सोचा क्यों ना घर में बैठ के, लॉकडाउन बाहर नहीं जाके इधर घर में बैठ के कुछ बनाएगा, ऐसा बोल के मैंने स्टार्ट किया ये पोर्ट्रेट। और आपने अभी तक कोई भी आपका जो पेंटिंग है, पोर्ट्रेट है, तो किसी को सेल किया अभी तक आपने? मुझे तो नहीं लगता कि अभी मेरा सेल करने का लायक है, क्योंकि मैं अभी शुरू स्टार्ट ही कर रहा हूँ। अभी मालूम नहीं, जाके कल परसों शायद
जब अच्छा बनेगा तब जाके मैं शायद सेल कर सकूँ। तो थैंक यू जोनाथन हमसे बात करने के लिए। जी तो जैसे कि हमारे बीच थे अभी जोनाथन जो खरसांग के हैं, तो ये एक ऐसा यूथ है जिसने लॉकडाउन के दौरान घर पे बैठ के इम्प्लीमेंट किया खुद का, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने काफ़ी पेंटिंग किया है, पोर्ट्रेट बनाया है, तो उनका पोर्ट्रेट को भी सोशल मीडिया पे काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो मैं खुद अरुणाचल टुडे का टीम से और अरुणाचल टुडे का टीम से, पूरी टीम की ओर से मैं जोनाथन को बेस्ट विशेस दूंगा। थैंक थैंक यू। यू।